हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। एक बड़ी न्यूज यार कि जो भी बच्चे यार जो देख रहे हो क्लास ट्वेल्थ में थे, जिनका रिजल्ट रिसेंटली अपलोड हुआ है, अगर आप अपने क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो और री एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे, सो सीबीएसई ने फाइनली री एग्जामिनेशन की डेट्स बता दी है। आपका री एग्जामिनेशन 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, यानी कि 15 to 15 का एक महीने के बीच में कराया जाएगा। और अगर आपका रिजल्ट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वजह से खराब हुआ था, तो आप उस एक सब्जेक्ट के लिए भी अपियर हो सकते हो। जितने सब्जेक्ट्स का आप चूज करोगे, आप उतने सब्जेक्ट के लिए अपियर हो सकते हो। लेकिन एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप वो पेपर अपियर करने जाते हो, तो उसमें जो आपका नंबर आएगा वो फाइनल ट्रीट किया जाएगा, बेस्ट ऑफ टू नहीं लिया जाएगा। अगर आपने पहले 70 स्कोर कर रखा था और अब आपका 65 आया, तो आपका फाइनली 65 ही काउंट होगा, बेस्ट ऑफ टू काउंट नहीं होगा। तो अगर आप इंप्रूव करने जाते हो, तो मेक श्योर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो कि आप उससे ज्यादा स्कोर करने वाले हो अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में। सो सीबीएसई ने यार ये बड़ी न्यूज अभी रिलीज करी है। एग्जैक्ट टाइम टेबल तो अभी नहीं आया है, बट इतना पता है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में कॉन्डक्ट होगा आपका क्लास ट्वेल्थ का री एग्जामिनेशन या इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जो भी आप साइट जो है वो सीबीएसई में चेक कर सकते हो जा करके। सो कमेंट में मेरे को बताओ कौन कौन इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, या कौन कौन भैया बस पास होके ही खुश है, क्योंकि हमको तो जेई मेंस और एडवांस क्रैक करना है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इस वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सकता है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।